नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आपके पे लेटर की लिमिट इंक्रीज कितने मंथ में होती है फ्लिपकार्ट के पे लेटर के बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे कि फ्लिपकार्ट का पे लेटर लिमिट कितने टाइम में इंक्रीज हो सकती है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, इस वीडियो में आपको बताएंगे। बिल्कुल लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे लेटर जो फ्लिपकार्ट का है, इसमें काफी लोगों को 5,000, काफी लोगों को 2,000, काफी लोगों को 1,00,000, काफी लोगों को 60,000, काफी हाई लिमिट देखने को मिलती है। और इसके लैंडिंग पार्टनर IDFC फर्स्ट बैंक है। यहाँ पे दोस्तों, इससे आप EMI में नो कॉस्ट पे कुछ सामान ऐसे हैं जो उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। यहाँ पे सवाल है कि लिमिट हमारा इंक्रीज कब होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2022 में दोस्तों काफी लोगों का लिमिट इंक्रीज कर दिया गया, 2023 में काफी लोगों का लिमिट इंक्रीज कर दिया गया, ये 2024 आ चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पे लेटर का जो लिमिट है दोस्तों, ये सभी लोग का इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक लैंडिंग पार्टनर है। अब यहाँ पे जो पे लेटर फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करते हैं, काफी लोग दोस्तों इस पे डिफॉल्ट कर जा रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, काफी सारा ऐसे कंप्लेंट रिपोर्ट आए। बट यहाँ पे दोस्तों इसकी एक अच्छी प्रोफाइल, अच्छी लेन देन के भी यहाँ पे आपकी लिमिट इंक्रीज होगी। अगर आपकी लिमिट 5,000 है तो कम से कम 6 महीने साल भर अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी प्रोफाइल को रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद कौन सा ट्रांसफर आपने किया, कितना कैंसिल किया, और सारी चीजों को चेक करते हुए आपकी लिमिट को तय किया जाएगा। तो पहले क्या था, फ्लिपकार्ट प्लेटर का जो लिमिट है 2-3 महीने में ही आपको एक मैसेज आता था और आपके फ्लिपकार्ट में शो कर रहा था कि आप इंक्रीज कर लो। बट यहाँ पे क्या है कि कंपनी और बैंक आपको सर्विस तो काफी बढ़िया दे रही है, बट यहाँ दोस्तों ऐसे कुछ लोग हैं जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे मान लो आपको जरूरत नहीं है किसी चीज का, आपको मिल गया पे लेटर, मिल गया क्रेडिट कार्ड, मिल गया, अब उसको इस्तेमाल करके अब कोई दिक्कत आ गया या दोस्त को दिला दिया, बोले भाग गया, पेमेंट आपने नहीं किया, तो यहाँ पे दोस्तों लॉस चला जाता है। इस वजह से काफी ज्यादा आप प्रोफाइल को ही चेक करते हुए, ट्रांसफर को चेक करते हुए लिमिट तय की जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो पे लेटर का लिमिट है दोस्तों, ये 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर रिव्यू करने के बाद ही इंक्रीज होगा। इसके पहले आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज नहीं किया जाएगा। दोस्तों शायद किसी ऐसे पर्सन का हो जाए, वैसे नहीं होगा, कि यहाँ पे दोस्तों काफी ज्यादा अब सख्त कार्रवाई, सख्त वेरिफिकेशन, सख्त जांच पड़ताल हो रही है किसी भी चीज के लिए। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पे लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी कंपनी का या बैंक कोई भी अगर आप सर्विस लिए हैं, उसकी टाइमली आप रीपेमेंट करें, कोई गलती मत करें। इससे आपकी प्रोफाइल अच्छी बनी रहेगी, आपका सिविल खराब नहीं होगा, भविष्य में बड़े लोन के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। तो पे लेटर के बारे में आपने जान लिया, समझ लिया, आप बताना कि आपका पे लेटर का लिमिट कितने मंथ में इंक्रीज हुआ था, कितना टाइमिंग लगा था, आप कमेंट में जरूर देना। आप लोग कैसा लगा है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।